मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कंदकुंदायो जैन धर्मोस्त मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्व धर्माणां जैनं जतु शासनं जैनं जतु परोक्ष प्रमाण की चर्चा चल रही है। परोक्ष प्रमाण मतलब मति सुतक ज्ञान। मति सुतक ज्ञान का प्रोसेस कैसे होता है, कार्य कैसे करता है, अर्थात हम और आप जानते कैसे हैं, डेली रूटीन लाइफ में निर्णय कैसे लेते हैं, फील कैसे करते हैं, इन सब बातों का जवाब देने के लिए चर्चा है परोक्ष प्रमाण। माने आपको ज्ञान गुण का काम कैसे होता है, फंक्शन कैसे होता है, वो सारा निर्णय इसमें होता है। तो अपन ने देखा कि जब भी हम किसी विषय को जानते हैं तो वो हमारे को मेमोरी में आ जाता है। फिर जब कभी हमें पुरानी बातें याद करते हैं ना, पुराने विषय याद करते हैं, तो उन याद करने का नाम मेमोरी, स्मृति। अभी स्मृति के बाद सेकंड स्टेप की प्रोसेस होती है। वर्तमान में हम कोई भी विषय जानते हैं, वर्तमान में कोई भी विषय सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम फौरन टैली करते हैं उसको। और ये प्रत्यविज्ञान बहुत जबरदस्त चीज है जिसकी चर्चा इतने दिनों तक अभी हुई है। लोक में भी आपने देखा होगा, आप हमेशा वर्तमान के विषय को टैली करके ही, स्मृति से टैली करके ही उसे स्वीकार करते हैं। ये गलत है कि सही, इसका निर्णय कैसे करते हैं आप? गलत है या सही, इसका निर्णय कैसे करते हैं आप? तो आप क्या करते हैं, वर्तमान में सुना और उसको टेली करते हैं मेमोरी से, तब आप कह देते हैं गलत है अथवा सही है, बराबर। यहां तक चर्चा हो गई। अब अपन आगे चलेंगे। प्रत्यविज्ञान की चर्चा काफी हुई, आज हम चर्चा करेंगे तर्क। क्या चर्चा करेंगे? तर्क। क्या बोला? तर्क। क्या चर्चा करेंगे? तर्क, स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क। तर्क को इंग्लिश में कहते हैं लॉजिक। बड़ा फेमस शब्द है लॉजिक करना। लॉजिक, देखो इतनी सुंदर परिभाषा है लॉजिक की, इतनी सुंदर परिभाषा। या तर्क की परिभाषा मैं पढ़ाऊंगा आपको। अभी तक हम तर्क करते तो हैं, लेकिन इसे पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आप तर्क को जानते ही नहीं। कई बार माता पिता कहते हैं तुम बहुत तर्क करते हो। आजकल के छोटे छोटे बच्चे बहुत तर्क करते हैं, लेकिन तर्क कहते किसे हैं वो आप समझिए। इसमें से तर्क का एक नाम है विचारना। प्रवचन सार जी में इसका नाम आया विचारना, माने विचार करना। मैं सब समझाऊंगा अभी आपको प्रैक्टिकल करके सारा सारा। इससे पहले कि एक पर्यायवाची नाम और बताता हूं मैं जिनवाणी में, इसका एक नाम है ओह। क्या नाम है इसका? ओह। अब ये सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन एक बार तो सुनना ही पड़ेगा आपको। क्या नाम है इसका? ओह। बड़े ऊ की मात्रा, ओ, बड़े ऊ, बड़ा ऊ, समझते हैं? ओह। ऊ का मतलब मैं आपको सरल करता हूं। जैसे लोग में एक शब्द नहीं बोलते, भैया तुम किस उहा पोए में पढ़े हो? सुना सर हिंदी का, आप किस उहा पोए में पढ़े, मैंने आप किस विचारना में पढ़ी, सुना होगा आपने शब्द। तो एक ऊ होता है, ऊ मैंने विचार करना, लॉजिक करना, तर्क करना, बराबर। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब तर्क की परिभाषा एकदम सरल है, बहुत ही सरल है, एक बार में याद हो जाएगी आपको, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो सभी लोग एक बार ध्यान से सुनेंगे, किसकी परिभाषा बताऊंगा मैं, तर्क की। तर्क की परिभाषा है, बोलू, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। किसके ज्ञान को? किसके ज्ञान को? जोर से बोलो,
किसके ज्ञान को? किसके ज्ञान को याद हो गए? अब तर्क माने व्याप्ति का ज्ञान, ध्यान से सुनना, तर्क माने व्याप्ति का ज्ञान। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं आप उसको फोकस करना, क्योंकि बाद में मैं फास्ट चलूंगा तो फिर आपको तकलीफ होगी। तर्क माने, अब व्याप्ति क्या होती है? अब ये भी एक नया शब्द है, व्याप्ति क्या होती है? आपने सुना होगा, शब्द सुना होगा हिंदी में व्याप्ति। मैं समझाता हूं, देखो इस कमरे में ऑक्सीजन व्याप्त है, कुछ कुछ समझ में आ गया? शक्कर में मिठास व्याप्त है, आगे समझ में? नमक में खारापन व्याप्त है, समझ में आ गया सबको? अब तो कठिन नहीं लग रहा। मैंने व्याप्ति, अब व्याप्ति का ज्ञान बताऊंगा, अभी अभी बताऊंगा, पहले तो व्याप्त। इस हॉल में मनुष्य व्यापक हैं, अब तो समझ गए? तो दो शब्द आ गए अपने पास, व्याप्ति किसे कहते हैं, पहले तो तर्क किसे कहते हैं, याद रखना ये, भूलना नहीं, तर्क किसे कहते हैं, व्याप्ति के ज्ञान को। और व्याप्ति का मतलब है व्याप्य व्यापक संबंध, व्याप्य व्यापक संबंध के रिलेशन को कहते हैं व्याप्ति। मैं भी समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करना, बिल्कुल मेरी ओर देखते रहना, एक एक शब्द बोलूंगा और जब आप ग्रीन सिग्नल देंगे तो ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है? चलो आगे चलो, समझ आए बेटे? फिर से एक सरल दृष्टांत, व्याप्ति का ज्ञान, व्याप्ति का ज्ञान ध्यान से सुनना। दूध में शक्कर डालेंगे तो दूध खारा होगा कि खट्टा? बोलो, मीठा होगा। ये जिस बल पर आपने बोला ना, यही व्याप्ति का ज्ञान है, जिसके बल पर आपने बोला है ना, यही व्याप्ति का ज्ञान है बस। अच्छा, दूध में डालने पर तो, दूध में शक्कर डालने पर तो मीठा हो जाता है, लेकिन खीर में शक्कर डालेंगे तो खट्टी होगी कि फीकी होगी? अब ये जिसके बल पर आप बोल रहे हैं ना, इसके ही नाम व्याप्ति का ज्ञान है। अच्छा, सब्जी में हरी मिर्च है ना, लीली मिर्च, मरी मरी क्या होता है, लीली मरी, हरी मिर्च, उस हरी मिर्च में शक्कर डालेंगे तो क्या होगा? मीठी होगी, चरपरी होगी कि खट्टी होगी? बोलो कैसी होगी, कैसी होगी है? पता नहीं, ये लेके आओ, जाओ बाजार से लीली मरी लेके आओ और उसमें शक्कर डाल के देखो क्या होगा, क्या होगा? अरे शक्कर का स्वाद कैसा आएगा, मीठा ही आएगा। क्यों आएगा, प्रश्न ये नहीं क्यों आएगा। देखो मुझे कुछ कहना है, ध्यान सुनो। एक बार हमने समझा दिया कि शक्कर मीठी होती है और जिसमें जाती है उसको मीठा करती है। अब ये लॉजिक आपको मालूम पड़ गया। दुनिया में अब हजारों पकवान बनाने हो, हजारों मिठाइयां बनानी हो, तो ये लॉजिक आपको काम करेगा, ये लॉजिक काम करेगा। भैया आज तक हमने बेसन को मीठा करके तो नहीं देखा, लेकिन तुम्हें मीठा करना हो तो शक्कर डालो। हो सकता है कोई आइटम ऐसा जो आपने कभी किया ही नहीं, लेकिन तो भी आपको ये बात पक्की मालूम पड़ जाएगी कि शक्कर डालेंगे तो मीठा होगा, बराबर। इसका नाम है व्याप्ति का ज्ञान। घर में शक्कर है और 100 प्रकार के मटेरियल हैं, समझ लीजिए शक्कर और नमक दोनों एक जैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं बिल्कुल। ऐसा होने पर भी मान लीजिए आज शक्कर खत्म हो जाए और दूध फीका है, रसगुल्ले में शक्कर कम पड़ गई, तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, एक इंच की दूरी है दोनों के बीच में, बीच में एक ही तो है, इधर शक्कर इधर नमक, तो नमक क्या करेगा, शक्कर का काम, क्या काम करेगा? और थोड़ा दृष्टांत देता हूं, यदि हम नमक शक्कर के बीचों बीच रख दें, नमक का क्या बोलते हैं डगला, और उसके बीच में रख देंगे, किसके बीच में, साकर के बीच में, तो अब मैं पूछ रहा हूं कि अब शक्कर यदि खत्म हो जाए तो ये नमक शक्कर का काम करेगा ना, नहीं करेगा?
ये जितना आप उत्तर दे रहे हो ना, इस सबको कहते हैं व्याप्ति का ज्ञान। आपने ऑक्सीजन देखी बेटे, पूजन ऑक्सीजन देखी है कैसे रंग की होती है, तो देखी आपने ऑक्सीजन देखी है, है? नहीं देखी। अच्छा हाँ, तो इस कमरे में ऑक्सीजन नहीं है, मैं कहता हूं इस कमरे में ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा है, दिख नहीं रही है। अच्छा तो ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि इस कमरे में ऑक्सीजन है? आंखों से दिखी नहीं आपको, तो आपने किस लॉजिक से कहा कि यहां पर ऑक्सीजन है? मैं क्लेम करता हूं कि नहीं है, बोला। अब कोई लॉजिक होना चाहिए आपका, बोलो बोलो। स्मेल आ नहीं रही है, कानों से सुनाई नहीं पड़ रही है, हाँ श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते हैं इससे क्या हो जाता है? अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हम सब जिंदा बैठे हैं, यही लॉजिक है। यदि यहां ऑक्सीजन नहीं होती तो हम जिंदा रह सकते नहीं थे, ये लॉजिक हो गया। आगे ना समझ में आया, जहां जहां ऑक्सीजन नहीं होगी वहां आदमी जिंदा नहीं रह सकता, यही लॉजिक हो गया ना। तो अब तो दो लॉजिक बता दी, लॉजिक समझाने के लिए दो दृष्टांत हो गए, शक्कर का हो गया, नमक का हो गया, और अभी काय का हो गया, ऑक्सीजन का। वेरी गुड, अब आगे चले। अब तो व्याप्ति, अब व्याप्ति समझाना है, व्याप्ति समझ में आ गई सबको? जैसे शक्कर, अब थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। मां मंदिर चली गई, मम्मी कहां चली गई, मंदिर। अब वो एक गिलास में दूध रख गई, लेकिन अब हमें ये नहीं मालूम कि मम्मी ने शक्कर डाली कि नहीं डाली, मम्मी बोल करके भी नहीं गई और मम्मी ने हमारे सामने शक्कर भी नहीं डाली, तो अब हमें कैसे मालूम पड़ेगी इस दूध में शक्कर गई कि नहीं गई? बोलो भैया, टेस्ट करके। बिल्कुल ठीक, टेस्ट करके। तो जैसे ही हमने दूध पिया, ध्यान से सुनना, अभी कुछ कहना है मुझे, तो दूध पीने पर मिठास आई, मिठास आई तो मिठास का टेस्ट किया कि शक्कर का टेस्ट किया? बोलो, किसका किसका टेस्ट किया? जैसे ही दूध पिया, अरे इसमें शक्कर है, आवाज क्या निकली, अरे इसमें शक्कर है। अच्छा फिर से बोलता हूं, दूध पिया लेकिन मिठास कम थी, अरे इसमें शक्कर कम है। अच्छा दूध पिया, समझ गए, तीसरा नंबर क्या होगा कि ज्यादा मीठा है, तो हम कहेंगे क्यों भाई, बड़ोदरा नहीं, वस्त्रपुर में शक्कर के सस्ती मिलती है, तो क्या मालूम पड़ गया, मिठास के टेस्ट से ये मालूम पड़ गया कि शक्कर ज्यादा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, शक्कर आपने आंखों से नहीं देखी, हाथ डाल करके दूध में शक्कर हाथों से नहीं देखी जा सकती, कान से नहीं सुनी जा सकती, नाक से नहीं सूंघी जा सकती, अब हमें आप बताओ कि आपने मात्र मिठास गुण का वेदन किया था कि पूरी शक्कर का वेदन किया था? आपने मिठास से मिठास का निर्णय किया था या मिठास से शक्कर का निर्णय किया था? आगे सरल हो गए सबको, आगे सरल हो गए सबको। ऐसे ही ओहो, हम मिठास अकेले का वेदन करते नहीं है, दूध पीने पर पूरी शक्कर का वेदन करते हैं, ये लॉजिक हो गया। मिठास क्यों क्यों क्यों, उत्तर, क्योंकि जहां जहां मिठास है उस मिठास में पूरी की पूरी शक्कर व्याप्त है, और ये है व्याप्ति का ज्ञान। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनो, मिठास में शक्कर व्यापक होकर रहती है, क्या बोला बोलो, मिठास में शक्कर व्यापक होकर रहती है, इसका जो ज्ञान है इसका ही नाम व्याप्ति का ज्ञान है। हमने चखा और मिठास का पता लगते से ही बोल पड़े इसमें शक्कर है या नहीं है, बराबर, सम्यक दर्शन करना है करना है। ध्यान से सुनो, भगवान आत्मा कभी आपके अनुभव में नहीं आएगा, शक्कर का पता नहीं लगेगा आपको, लेकिन जब मिठास का अनुभव होता है तो हम कहते हैं शक्कर है। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ,
जब जब मिठास का वेदन करते हैं तो क्या पकड़ में आ जाता है? शक्कर। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान का वेदन हो रहा है ना सबको? आप सबको ज्ञान हो रहा है? ज्ञान तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे दूध में शक्कर का टेस्ट आया, मैंने मिठास आई, ऐसे ये रहा गिलास। ये ना गिलास बॉडी, और इसमें कोई ज्ञान का स्वाद आ रहा है आपको? जानने वाला कोई है? जानने वाला है? बस यही आत्मा है। जैसे मिठास में शक्कर का वेदन, ऐसे ज्ञान में ज्ञान का वेदन, इसका नाम सम्यक दर्शन। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? ये लॉजिक से बता रहे हैं, लॉजिक से। जिन्हें ऐसा लगता होगा अभी तो अनंत गुण है, अनंत गुणों की लिस्ट पढ़नी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, फिर एक एक का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, फिर एक एक का टेस्ट लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लॉजिक से बोल रहे हैं, लॉजिक लॉजिक, व्याप्ति व्याप्ति का ज्ञान। दूध पीने पर मिठास का पता लगा, मिठास का पता लगा माने शक्कर का पता लगा। ऐसे जिसको ज्ञान का समझ में आ गया, उसको ज्ञायक समझ में आ गया। क्या कहा? जिसको ज्ञान समझ में आया उसको ज्ञायक समझ में आ गया। अब आगे चले, किसका ज्ञान चल रहा है? व्याप्ति का ज्ञान। आवाज नहीं आई, बोलो। व्याप्ति के ज्ञान को क्या कहते हैं? तर्क। तर्क किसे कहते हैं? याद हो गया? तर्क किसे कहते हैं? व्याप्ति का एग्जाम्पल शक्कर और मिठास। मिठास में शक्कर व्यापक होकर रहती है, याद हो गया? आगे चलो, ग्रीन सिग्नल दे रहे हो सब लोग? ठीक, आगे बढ़ो। अब मैं फिर बताऊंगा। अब थोड़ा कठिन पढ़ाई है, अलर्ट रहना। व्याप्ति तक समझ में आ गया? मिठास में शक्कर व्यापक होकर रहती है, इसका ज्ञान, इसका नाम व्याप्ति का ज्ञान, बराबर। अरे दूध का ये तो एग्जाम्पल आपको सरल है, लेकिन आप समझ लीजिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। आपने केला खाया, केला, आम खाया, मैं आपसे पूछता हूं, इसमें मिठास है ना? मिठास, इसका मतलब इसमें इसमें ग्लूकोज होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? बिना ग्लूकोज के कोई चीज मीठी नहीं हो सकती। अभी शक्कर कह रहे थे ना, एक शक्कर की ग्लूकोज, बिना ग्लूकोज के गेहूं, गेहूं व्हीट मीठा नहीं हो सकता। इसका मतलब व्हीट में ग्लूकोज है, समझ गए दर्शन? जो जो चीज मीठी होगी उसमें ग्लूकोज होगा। तो जहां जहां मिठास आएगी ना, कोई भी चीज मिठास आएगी, इसका मतलब उसमें ग्लूकोज है। अब अलग से तो कोई ने शक्कर नहीं मिलाई किसी में, आम में किसी ने शक्कर नहीं मिलाई, लेकिन जो जो मीठे होंगे उनमें ग्लूकोज होगा। अब तो समझ आया? ऐसे ही ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे ही जहां जहां ज्ञान का वेदन हो रहा, इसका मतलब आंख बंद करके समझ जाओ कि वहां आत्मा ही है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलो। सब लोगों ने द्रवगुण पर्याय तो पढ़ा होगा? पढ़ा है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। अभी जरा मैं बोलूंगा, आप याद कर लेना, फिर मैं पढ़ाऊंगा आगे। व्याप्य व्यापक, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? आपको ये कठिन शब्द तो नहीं लग रहा? व्यापक होना माने पसरनार, गुजराती में बोलते हैं पसरनार। मोक्ष तत्वा ना सॉरी समय सारजी परमागम में कर्ता कर्म अधिकार में व्याप व्यापक संबंध की चर्चा आई है। तो व्यापक माने पसरनार, फैलने वाला, रहने वाला, बसने वाला, इसका नाम व्यापक। और व्याप्य माने व्यापने योग्य, व्याप्य माने व्यापने योग्य माने रहने योग्य। तो व्यापना तो समझ गए, और या लिखे व्याप्य व्यापक, तो व्यापक व्यापक में सबसे आखिरी में का लिखा हुआ है, ये प्रत्यय कहलाता है हिंदी में, ग्रामर में। और व्याप्य तो या लिखा है ना, इसका मतलब है प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है योग्य, या माने योग्य, जैसे खाद्य, खाद्य पदार्थ माने खाने योग्य, पाठ्य पाठ्य पुस्तक माने
पढ़ने योग्य। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं व्याप्य, व्याप्य माने व्यापने योग्य। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं फिर बोलता हूं, ध्यान से सुनिए, पर्याय माने व्याप्य, पर्याय माने व्याप्य, और द्रव्य माने व्यापक। क्या बोला? पर्याय को क्या कहेंगे? व्याप्य। वेरी गुड। पर्याय को क्या बोलेंगे? व्याप्य। पर्याय को क्या बोलेंगे? व्याप्य एटलेस पर्याय। बहुत बढ़िया। व्यापक मतलब द्रव्य, व्यापक मतलब द्रव्य। वापस दृष्टांत देखिए, मिठास पर्याय है, मिठास पर्याय है और शक्कर उसमें व्यापक है। मिठास पर्याय है और शक्कर उसमें व्यापक है। आत्मा में लगाओ, ज्ञान जानना 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 पर्याय है, जानना 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 फीलिंग फीलिंग टू नो टू नो टू फील, ये क्या है? ये पर्याय। तो पर्याय माने व्याप्य। बहुत बढ़िया। पर्याय माने व्याप्य, और पर्याय में कौन रहता है? द्रव्य। पर्याय में कौन रहता है? द्रव्य। द्रव्य अर्थात व्याप्य, और पर्याय माने व्यापक है? क्या कह रहे बोलो कुछ। पर्याय माने व्यापक, व्याप्य। अच्छा, पक्का? सबको पक्का हो गया? एक बार जोर से बोलो, पर्याय माने व्याप्य। समझ में आ गया सबको? कठिन तो नहीं लग रहा? बस यही थोड़े दो चार शब्द कठिन है, बाकी तो फिर सब सरल है। व्याप्य जिंदगी में पढ़ने को नहीं मिलता। अभी आप समय साझी पढ़ोगे, मैं आपको बताऊं, पूरे कर्ता कर्म अधिकार का प्राण है इन दो शब्दों में, व्याप्य व्यापक। पूरा कर्ता कर्म अधिकार का प्राण। और आपको मैं पूरा का पूरा कर्ता कर्म अधिकार पढ़ाऊंगा, तर्क में पढ़ाऊंगा। व्याप्य व्यापक, फिर से बोलो, पर्याय माने व्यापक, व्याप्य, और द्रव्य माने व्यापक, पर्याय माने व्याप्य। पर्याय तो समझते सब लोग, शक्कर की पर्याय मीठी, बराबर। तो मिठास में कौन व्यापक है? शक्कर। इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब एक बात और बोलना है, बोलूं? व्याप्य व्यापक संबंध किस किस के बीच में होता, कोई बोलोगे? किस में होता है? हाँ, बोलो बोलो बोलो। एक ही द्रव्य में, उसकी पर्याय में, उसके व्याप्य व्यापक संबंध। ध्यान सुनो, पर्याय और द्रव्य एक ही होना चाहिए। फिर से बोलो, पर्याय और द्रव्य एक ही होना चाहिए। दो द्रव्य के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध हो सकता? दो द्रव्य के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध हो सकता? फिर से बोलो, क्या नहीं हो सकता? ओह, मुझे इतना आनंद आ रहा है अंदर से, मैंने आपको इतनी बड़ी चीज पढ़ा दी है वाली, कि अभी तक आपको लॉजिक से नहीं मालूम। अभी तक अपन क्या सोचते हैं, वो तो स्वामी जी कहते हैं कि अपन देह के कर्ता नहीं है, देह अपना कर्ता नहीं है, अपन किसी का नहीं कर सकते, कोई अपना नहीं कर सकता। ठीक है भाई, स्वामी जी बोलते हैं बाकी, लेकिन आज हम आपको लॉजिक से बता रहे हैं कि पर्याय व्याप्य होती है और द्रव्य व्यापक होता है। इसका मतलब द्रव्य और पर्याय के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है। व्याप्ति, व्याप्ति का ज्ञान, व्याप्ति का ज्ञान माने एक द्रव्य का पर्याय के साथ, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ व्याप्य व्यापक संबंध, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। पक्का करूं आगे प्रवचन शुरू करो? आत्मा शरीर में व्यापक है कि नहीं, सोचो। अक्षय, अपन अभी शरीर में रह रहे हैं ना? अपन अभी शरीर में रह रहे कि नहीं रह रहे? अभी कहीं भी आप सुई लगाओ, कुछ करो, ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, चिकुटी काटना, कुछ करो, तो आत्मा शरीर में रह रहे हैं ना? रह रहा है कि नहीं, बोलो ने। अब पॉइंट पकड़ो जरा। सारी दुनिया यही कहेगी, संसार अवस्था में आत्मा शरीर में रहता है, लेकिन हमारे सर्वज्ञ भगवान कहते हैं एक द्रव दूसरे द्रव में कभी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? उत्तर, व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। क्यों? व्याप्य व्यापक संबंध कौन कौन के बीच में होता है?
द्रव्य और पर्याय के बीच में, द्रव्य और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य की पर्याय में, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य की पर्याय में ना, एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य में पक्का। अब बोलो भैया, शरीर अभी बेटे अक्षर तुम शरीर में रहते हो कि नहीं रहते हो, बोलो बोलो। बस हो गए सम्यक दर्शन, यही तो लॉजिक से समझाना, लॉजिक से ही। व्यापक व्यापक मिठास में शक्कर तो पसर सकती है, मिठास में शक्कर तो पसर सकती है, लेकिन मिठास में अपन एक काम करो, सिकंजी समझते, सिकंजी नींबू, नींबू ना पानी, नींबू का पानी, नींबू पानी साकर लौंड, क्या बोलते हैं लवण है ना, मीठू मीठू, मीठू बोलने मुझे डर लगता है कि मीठू तो नहीं, मीठू मीठू बोलते हैं, मीठू बोलते हैं, मीठू बोलते हैं ना, साल्ट जी अच्छा है, फॉल्ट नहीं होगा इसमें नमक साल्ट ठीक है। अभी अपन ने उसको टेस्ट किया तो चारों चीजें एक मिक्सअप है ना, मिक्सअप। मैं आपसे पूछता हूं, चारों चीज एक हो गई कि चारों चीजें अलग अलग हैं, या चारों चीजें एक दूसरे में घुस गई, कैसे मालूम पड़ा? आप आंख से तो एक दिख रही है, आंख से तो एक दिख रही, लेकिन पीते समय चारों का टेस्ट चार आएंगे कि एक आएगा? चखिए तुमने सिकन जी, ये कितना स्वाद आता है, एक की चार। अब देखो कैसे आता है, चार बताता हूं। जैसे पानी यदि म्यूनिसिपैलिटी का अच्छा नहीं आया हो, वो डल गई हो, क्या डाल देते हो, ग्लिसरीन है ना, क्लोरीन की गोलियां, हाँ क्लोरीन डाल दी, तो अपन बोलते पानी अलग से कैसे पता लग गया? क्योंकि पानी नींबू में घुसा ही नहीं, पानी शक्कर में घुसा ही नहीं, पानी नमक में घुसा ही नहीं। ओहो गजब हो गया, एक स्थान पर सुई की एक नोक रखो तो चारों चीजें एक ही नोक पर हैं, और फिर भी चारों एक दूसरे में नहीं है, क्यों? उत्तर आनंद आ गया, ऐसा लगता है अपन ने पूरा कर्ता कर्म अधिकार पढ़ लिया। अभी और पढ़ाऊंगा, अभी चिंता नहीं करना, अब इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं होगी आज, अब याद नहीं कराऊंगा, इतनी पढ़ा दिए बहुत है बस। हालांकि अभी परिभाषा नहीं बताई मैंने, लेकर बता देंगे, चिंता नहीं करो। देखो सिकंजी में चार चीज है, शक्कर का स्वाद अलग से पता लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? इसमें शक्कर कम है, नमक ज्यादा है, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? और नींबू थोड़ा खराब वाला है, अच्छी क्वालिटी का नींबू नहीं है, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? इसका मतलब एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य नहीं रह सकता, ध्यान से सुनना। जहां एक ही स्थान पर मिक्सिंग है, मिक्सअप दिख रहा है, मिक्सअप कहा जा रहा है, और सारी दुनिया उसे एक समझ रही है, और आप जब पीते हो तो एक सिकंजी मानकर पीते हो, ऐसा होने पर भी, एक सत्ता दिखाई देने पर भी, उनमें कदापि कभी भी कैसे भी एक पना नहीं हो सकता। इसका नाम है व्याप्य व्यापक। आ हा हा हा, चार का व्याप्य व्यापक, चारों का जुदा जुदा, पक्का? अच्छा सिकंजी समझ में आ गई, इधर भी समझ में आएगी। एक शरीर, एक आत्मा, एक द्रव्य कर्म, आठ कर्म द्रव्य कर्म, और एक मोह राग द्वेष भाव कर्म। कितने की सिकंजी बनी, कितने की सिकंजी बनी? मनुष्य इजिकल टू वन मैटर नहीं, मनुष्य इजिकल टू वन सब्सटेंस नहीं, मनुष्य एटले चार, भगवान आत्मा पुद्गल का शरीर दो, आठ कर्म और एक भाव कर्म, मोह राग द्वेष का भाव कर्म, मोह राग द्वेष का, याद हो गया? चार कौन कौन सा? आत्मा शरीर, आठ कर्म का द्रव्य कर्म, आठ कर्म माने द्रव्य कर्म, और भाव कर्म, भाव कर्म में क्या क्या आता है? मोह राग द्वेष। बहुत सुंदर सही, मुझे तो इतना आनंद आ रहा है बस्तरा पर में, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, सबको द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, ये तो हमारे 60-60 साल वालों को नहीं मालूम पड़ता है, उनसे कहो द्रव्य कर्म तो मैं सोचती हूँ पैसे का काम होगा कोई। वेरी गुड, बहुत मजा आया, समझ में आया कि नहीं आया? फिर से आगे चलो,
चार हैं तो सिकंजी में जैसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में नहीं जाता, नहीं व्यापक व्यापक नहीं हो सकता। चारों का टेस्ट इसलिए अलग अलग आया क्योंकि चारों का एक दूसरे में व्यापक व्यापक संबंध नहीं हुआ। ऐसे ही आत्मा कभी कर्म रूप नहीं होता, राग रूप नहीं होता, राग आत्मा रूप नहीं होता, इसलिए आत्मा का स्वाद अलग आता है और राग का स्वाद अलग आता है। आत्मा का स्वाद अलग आता है और आठ कर्म का स्वाद, स्वाद माने नौ जानना अलग होता है। कभी भी ज्ञान राग रूप जानने में नहीं आता और राग ज्ञान रूप जानने में नहीं आता, साल्ट सुगर रूप जानने में नहीं आता और सुगर कभी साल्ट रूप जानने में। समझ में आया कि नहीं? बहुत जल्दी बोल गई पूजन, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा क्यों, अपन एक किलो सोना थोड़ा ज्यादा मात्रा ले ली, वैसे एक तोला लेता था अभी तक तो, ले अब सस्ता है इसलिए ले रहा हूं मैं। एक किलो सोना और 100 क्विंटल चांदी सिल्वर, कितनी 100 क्विंटल, थोड़ी बहुत नहीं 100 क्विंटल, और दोनों को मैं एक साल तक उबालता रहूं बर्तन में, वो बड़े वाले टब में स्टील के फुल करके, तो दोनों पिघल जाएंगे और दोनों पिघल कर एक रस हो जाएंगे, और चम्मच से उनको एक साल तक ऐसे ऐसे करूंगा मैं, ऐसे 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 ऐसे। मैं आपसे पूछूं एक किलो सोने का क्या हो जाएगा, वो तो चांदी में घुस गया सारा का सारा। आप लोगों का क्या कहना है, एक किलो सोने का क्या होगा, सब चांदी बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो चांदी सोना बन जाएगी? नहीं बनेगी। अच्छा मार्केट में बेचने जाएंगे तो 100 क्विंटल चांदी का पैसा मिलेगा बस, हैं? हैं? बोलो भैया, तो कितना पैसा मिलेगा? 100 क्विंटल चांदी का ही तो मिलेगा, सोने का कितना मिलेगा? एक किलो चांदी और जोड़ लो बस। क्या गजब गजब, ओ हो हो, विश्व की कोई ताकत, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, विश्व की कोई ताकत, कोई साइंटिफिक मेथड, पूरे वर्ल्ड का साइंस का नॉलेज एक तरफ, और चांदी का सोने का एक कण चांदी नहीं बनाया जा सकता। इसका नाम है व्याप्य व्यापक का अभाव। सोने को चांदी नहीं बना सकते, दूध को मीठा नहीं कर सकते। क्या कहे गए, क्या कहे गए, दूध मीठा होता है कि नहीं? अक्षत होता है ना, होता है, दूध मीठा होता ही नहीं? आपके यहां दूध मीठा होता है कि नहीं होता है? ये सब व्यवहार से कहने में आता है, खरे खर दूध मीठा होता ही नहीं। लॉजिक 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 बोलो क्यों? क्योंकि दूध में शक्कर व्याप्य व्यापक हो नहीं सकती, व्याप्य व्यापक हो नहीं सकती। ओ हो हो, तो फिर शक्कर से दूध मीठा होता है कि नहीं, बोलो तो कुछ कठिन लग रहा है क्या प्रवचन? हाँ नहीं होता, बहुत अच्छा। इस अब जैसे 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 शक्कर से दूध मीठा नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर व्याप्य व्यापक का अभाव है। ऐसे ही शरीर से आत्मा सुखी नहीं हो सकता, क्यों? रसगुल्ला खाने से आत्मा आज तक सुखी नहीं हुई, क्यों? अच्छा मिथ्या दृष्टि तो सुखी हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि तो नहीं हो सकते, उन्हें तो मालूम है व्याप व्यापक होते ही नहीं, लेकिन मिथ्या दृष्टि को तो लगता है ना हूं रसगुल्ला खाऊं छू। बोलो भैया, तो मिथ्या दृष्टि तो सुखी हो जाता है ना, क्यों नहीं होता? अब देखो, अब तो लॉजिक समझ में आ गया, तर्क। ओहो ए, पहले हमने व्याप व्यापक के बारे में सुना, बाद में सुनकर के प्रत्यभिज्ञान किया, मेमोरी से मिलाया, और अब तीसरी प्रोसेस में क्या हुआ, अब हम अपना दिमाग खुद लगाने लगे। फिर से बोलता हूं, पहले हमने मेमोरी, पहले तो पूर्व में जाना था, प्रत्यभिज्ञान में क्या करते थे, प्रत्यभिज्ञान और मेमोरी को टैली करते थे, कनेक्टिंग करते थे, कनेक्टिंग नॉलेज, और अब तो हम इसका इंप्लीमेंटेशन करने लगे। लॉजिक का मतलब क्या हो गया थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या होने लगा, लॉजिक मतलब वो ज्ञान का इंप्लीमेंटेशन। आगे समझ में आया? तो अब हम लॉजिक से फिर कह रहे,
शरीर की क्रिया से धर्म हो सकता है कि नहीं? मंदिर जाने से धर्म होता है कि नहीं? पंडित जी ऐसी बात अभी मत बोलो, वैसे ही तो लोग बड़ी मुश्किल से आएंगे। लेकिन मत लॉजिक है, लॉजिक लॉजिक। स्वामी जी ने आज सुबह बोला था प्रवचन में, लॉजिक की बात है, लॉजिक से आती है। लॉजिक समझ आया? देह की क्रिया से धर्म क्यों नहीं हो सकता? देखो एक लोग बहुत कहते हैं, आप क्या कम कहते हैं कि ज्यादा कहते हैं मुझे नहीं मालूम, हमारे साइड तो बहुत कहते हैं, इतना उपवास किया, इतने नग्न दिगंबर रहे, इतनी तपस्या करी, इतना 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 त्याग किया, इतना स्त्री पुत्र आदि छोड़ना सरल काम है, कपड़ा छोड़ना सरल काम है, और इतना साल किया, 50 साल नग्न रहे, ऐसे पहाड़ों में एक एक साल तक खड़े रहे और व्रत उपवास किया। सही बात है, इतना किया भैया धर्म तो होगा। और अब इसीलिए स्वामी जी को नहीं समझ पाते थे लोग कि इतना करता हुआ दिखाई दे रहा है और तुम कह रहे जीरो धर्म। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको सही बताना, देह की इतनी क्रिया कर रहे हैं, एक एक साल का उपवास, नग्न दिगंबर, ऐसे तो कुछ तो धर्म होता ही होगा। ऐसा देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो ये आदमी को विश्वास ही नहीं होता कि देह की क्रिया से 1% धर्म नहीं होता। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो भैया, इस तरफ जा रहे कि उस तरफ जा रहे? बोलो, गुजरात में रहना है आपको कि उत्तर भारत में रहना है? बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? उत्तर भारत वालों को तो ऐसा बहुत लगता है कि इतनी देह की क्रिया करी तो कुछ तो धर्म होगा, फोकट में तो नहीं चला जाएगा बेचारों ने 24 घंटा उपवास करके, देखो मालूम पड़ जाएगी आपको। तो यहां हम कह रहे हैं भैया व्याप्य व्यापक संबंध का अभाव है। अच्छा एक बात करो, दूध में शक्कर डाली तो दूध मीठा हो गया, बर्तन में शक्कर रखेंगे तो बर्तन कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। क्यों? बर्तन में शक्कर रखेंगे मीठा नहीं हो जाएगा? अच्छा दूध में शक्कर रखेंगे तो दूध? ओहो क्यों नहीं होगा? बोलो क्यों नहीं होगा? क्योंकि व्याप्य व्यापक नहीं है। ऐसे ही आत्मा और शरीर के साथ, आत्मा तीनों का शरीर में व्यापक होके नहीं रह सकता। बराबर? फिर से बोलता हूं, अब कुछ मुझे बदलना है पॉइंट, इसलिए थोड़ा रोक रहा हूं। और शरीर भी मेरे व्यापने योग्य नहीं है। व्याप्य का अर्थ क्या बोला था? व्याप्य का मीनिंग क्या बोला था? व्यापने योग्य, रहने योग्य। शरीर आत्मा के व्यापने योग्य स्थान, मैं परमेश्वर हूं, गायक हूं, ध्रुव हूं, मैं इसमें रहने लायक। कहां मैं पवित्रता के खान और कहां इतना दलद्दर। दलद्दर समझते क्या बोलते हो? नव द्वार बहे, जरा इसकी एक परत हटाओ जरा ऊपर की, जरा ऑपरेट करके देखो। कभी कभी ऑपरेशन होता है ना, आप देख नहीं सकते, भाग जाओगे आप। जरा वो चीरा भी, चीरा लगाते ना फोड़े में, तो जरा लहू निकलना है, जरा सा वो पीप निकला, इतने में भी जो चक्कर आ जाते हैं जी। हमारे भगवान के रहने लायक है? रहने लायक है? इसका मलमूत्र निकलते देखे तो अच्छा नहीं लगता, नाम लेने में तक। यदि मैं नाम लेऊं ना, दृष्टांत लेऊं, जैसे रसगुल्ले का दृष्टांत देता हूं तो थोड़ा अच्छा लगता है आपको। और ऐसा दृष्टांत दूं तो आपको, पंडित जी बहुत खराब, जब देखो जब गाड़ी पे बस वही वही वही। अच्छा तो फिर ये कितना अच्छा है, अपने रहने लायक है। लेकिन अज्ञानी को खबर ही नहीं है कि हम भगवान हैं, तो उसको लगता है कि ये रहने लायक है। लेकिन सच्ची बात है कि दो द्रव के बीच में व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। अब एक कदम आगे बढ़ू, कर्ता कर्म संबंध वहां होता है जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है। क्या बोला? जोर से बोलो। जहां कर्ता कर्म संबंध कहां होगा? जहां व्याप्य व्यापक संबंध होगा वहां कौन सा संबंध होगा? पक्का याद रहेगा, देह की क्रिया से आत्मा सुखी होता है कि नहीं? पैसा पैसा पैसा। वीडियो गेम खेलने से तो मजा आ जाता है, नहीं नहीं आ जाता है? आ जाता है कि नहीं आ जाता? खेलते हैं वो अलग बात है, लेकिन वीडियो गेम में से मजा नहीं आता। उस समय भी आनंद ज्ञान में से आता है। देखो मुझे आज तक वीडियो गेम नहीं खेल पाया मैं,
कि मुझे समझ में नहीं आता क्या करना पड़ता है, वो कहाँ का बटन कहाँ दबाना पड़ेगा, ऊपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझ में नहीं आता। अब बच्चे फटाफट तो मैं ऐसे ऐसे करने लगा तो वो आउट, बच्चे करें तो खूब स्कोरिंग हो रही हो, मेरी स्कोरिंग क्या मतलब क्या। मैंने एक दिन देखा था एक बच्चे के मोबाइल में क्रिकेट था, क्रिकेट मैच, क्रिकेट रहता उसमें वीडियो गेम, तो मैंने चलो यही अच्छा है अपन इसमें खेल के देखें, अपन एक गेंद नहीं खेल पाए, टीम ऑल आउट जीरो पे ऑल आउट क्या। अब उसे पता नहीं कैसे करते हो, कैसे बॉलिंग होती है और कैसे वो आगे पीछे खिलाड़ी करना पड़ता है, उसमें कैसे बल्ला उठाना पड़ता है, अपनी समझ में ही नहीं आया उसको। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, वीडियो गेम खेल के मजा आता है कि ज्ञान में समझ में आए तो मजा आता है? अब इसका मतलब वीडियो गेम से मजा नहीं आता, एक ज्ञान की इंटेलिजेंसी का मजा आता है। समझ में आ गया? आगे पूछूं, टीवी देखने में मजा आता है कि नहीं आता है? टीवी में से मजा नहीं आता, कहां से आता मजा? ज्ञान की इंटेलिजेंसी। एक काम करो, हम जर्मनी पिक्चर लगा दें उसमें, अब कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या बक रहे हैं ये लोग कुछ समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप कितनी देर देखोगे? समझ लीजिए, ऐसी पिक्चर दिखाई जाए जिसमें बिल्कुल सादगी से भरी हुई, माने जिसमें आंखों से देखने में भी कुछ समझ नहीं आया कर क्या रहे हैं, दो जने खड़े हैं एक दूसरे जैसे, वो नहीं आता टेलीविजन में टॉक आती है, टॉक शांति से बैठे रहते हैं दो ही जने आमने सामने। अब मान लीजिए तुम्हें लैंग्वेज भी पल्ले नहीं पड़ रही उसकी, अब आपको कितना मजा आएगा टीवी में? कुछ मजा नहीं आया, क्यों? कि हमें टीवी में से आनंद नहीं आता। आनंद कहां से आता है? पक्का। अब और आगे चले, भोजन में से आनंद आता है कि नहीं? क्यों नहीं आता? आता था रसगुल्ला खाते समय, बोलो बोलो, कि उस समय भी रसगुल्ला में से आनंद नहीं आता, उस समय भी इंटेलिजेंसी का आनंद आता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? आगे बोलूं, आगे बोलूं, इसका मतलब आत्मा तीनों काल में परद्रव का भोक्ता है। आत्मा तीनों काल में कभी भी कहीं भी कैसे भी परद्रव को भोग सकता? पक्का? कोई बात नहीं, मानना बाद में, समझो तो समझो, पहले समझो अभी जीव को क्या लग रहा होगा, ये बच्चों को क्या लग रहा होगा, जीव कोई धर्म है, खूब रसगुल्ला खाओ, इधर आके बोल दो नहीं खाते ये भी कोई धर्म है, टेलीविजन देखते रहो भले ही, लेकिन अपन ये समझ लो कि टेलीविजन का मजा नहीं आता। लेकिन हम आपको बता दिए ना तीन एग्जाम्पल देकर। अब और आगे बोलू, इसका मतलब तीन लोक के सारे जीव मात्र ज्ञान का ही भोग करते हैं। गणित सॉल्व हो गया, कितना बड़ा, कितनी बड़ी सम थी, ऊपर से नीचे तक आ गए अपन, तर्क, उसमें से व्याप्ति का ज्ञान, व्यापे व्यापक सॉल्व करते चले गए, और फिर व्यापे व्यापक इजिकल टू एक द्रव के अंदर अंदर, दो द्रव के बीच में व्यापे व्यापक नहीं होता है, और जहां व्याप व्यापक होता है तो उसके बाद सॉल्व क्या करा अपन ने, गणित की तरह लिखो बिल्कुल, आप बिल्कुल गणित की तरह। तो फिर क्या सिद्ध हुआ, जहां व्याप व्यापक संबंध होता है वहां ही कर्ता कर्म संबंध होता है, तो कर्ता कर्म संबंध होता है वहीं भोक्ता भोग संबंध होता है। आहा, अब फिर आखिरी में बोलू, इसका मतलब ये निकला, बोला विश्व का प्रत्येक जीव ज्ञान का ही वेदन करता है। क्या बोला? मिथ्या दृष्टिकोण का वेदन करता है, गेहूं का। मिथ्या दृष्टिकोण का वेदन करता है, गेहूं का। मिथ्या दृष्टि किसका वेदन करता है, पदार्थों का। है? क्यों क्यों क्यों, जल्दी उत्तर बोलो, ए बीरल बोलो, है? अरे लॉजिक दो, लॉजिक। हाँ, मुझे तो घुटाई करनी है भैया, यही तो असली माल है। बोलो, न्याय में कितनी सुंदर चर्चा है, बोलो। अब लोग क्या चर्चा नहीं, द्रव्यानियों को भरा पड़ा पूरा पूरा। फिर से 24 घंटे प्रत्येक जीव एकेंद्री से मांडी ने सिद्ध पर्यंत किसका वेदन करते हैं? अमृतचंद स्वामी ने क्या कहा, ज्ञानात अन्यत् करोति किम्, ज्ञान के सिवा क्या कर सकते हो। चलो आगे, प्रवचन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
प्रवचन में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। तो प्रवचन का प्रवचन में से आनंद आ रहा है कि ज्ञान में से आनंद आ रहा है? जिन जिन को ज्ञान की समझने की योग्यता है उन्हें तो आनंद आ रहा है। अब जब कोई पहली बार आया हो और खास तौर से लेट आने वाले, उनकी तो पिक्चर निकल गई, क्योंकि असली स्टोरी तो शुरू में थी। असली स्टोरी तो अब ये तो पता लगना चाहिए कि जे कौन है, जे कौन है। पात्रों के नाम तो मालूम पड़ने चाहिए। अब 10-12 पात्र थे, किसी के नाम मालूम नहीं कि जे इसकी पत्नी है कि बहन है। अब यही पता नहीं लग रहा कुछ, तो अब पिक्चर नहीं देख सकते आप। 15 मिनट की पिक्चर निकली माने गई गाड़ी। ऐसे अभी जब बाद में आ रहे हैं वो, आप सब हंसेंगे तो वे हंसेंगे, क्यों नहीं हंसेंगे तो फंसेंगे। कोई बात नहीं है भाई, अब लेट आ गए तो भी कोई बात नहीं। अब सुनो, आप फिर से बहुत बड़ा सम हो गया, अपन ने बहुत सोल्व कर लिया। हा, फिर से मैं आपको समझा सकता हूं कि नहीं समझा सकता हूं? बोलो, क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि मेरा आपके साथ व्यापक संबंध नहीं है, और जहां व्यापक संबंध नहीं वहां कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। इसलिए मेरा आपके ऊपर 1% भी एहसान नहीं है, पक्की बात है। एहसान नहीं है। अच्छा, तो पूजन प्रवचन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो हमने समझाया कि नहीं समझाया? समझाया कि नहीं समझाया? देखो, तुम नहीं समझ सकते ये मैंने समझाया कि नहीं समझाया? मैं तुम्हें नहीं समझा सकता ये मैंने समझाया कि नहीं समझाया? बोलो तो। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता ये मैंने आपको समझाया कि नहीं समझाया? गूगल ही नहीं रहे। बोलो, अब फिर उत्तर बताओ। उत्तर, आपके समझाने से समझ में नहीं आया। जिन जिन की ज्ञान की योग्यता थी, एबिलिटी थी, वो अपनी योग्यता से समझे, लेकिन मेरा आपके साथ व्यापक संबंध नहीं है। आपका आपकी योग्यता से कौन सा संबंध है? व्यापक संबंध है। आपका आपकी योग्यता से कौन सा संबंध है? इसीलिए निमित्तों की महिमा करना कि व्यापक की महिमा करना? निमित्त की महिमा करना कि व्यापक की महिमा करना? क्या यदि वो व्यापक और व्याप्य नहीं होता वहां पर, तो आप समझ सकते नहीं थे। आगे समझ में आया कि नहीं आया? फिर से मेरा मन तो ऐसा कर रहा है, यदि हो सके तो अब घर जाओ, खाते समय आनंद आए तो जिस समय याद आनी चाहिए, जब आप टीवी देखो, भले ही देखो, हालांकि नहीं देखना चाहिए, लेकिन भले ही देखो आप, तो उस समय ये बात याद आना चाहिए। एक काम करो, एक काम तो कर ही सकते हैं अपन, 10 दिन के लिए प्रैक्टिकल करते हैं। 10 दिन के लिए सब अपने अपने टीवी के ऊपर लिख देना। क्या लिखेंगे? टेलीविजन से आनंद आता नहीं है, क्यों? क्योंकि व्यापक संबंध नहीं है। इसको लिख देना उसके ऊपर, ऐसे दर्पण के ऊपर लिख देना। रसगुल्ला खाओ ना, उसके पहले थाली पे लिखवा देना। ठीक है कि नहीं? क्रिकेट देखोगे नहीं देखोगे? क्रिकेट मत देखना, रोना पड़ेगा बेकार, क्या फायदा। लिख देना, क्या लिख देना? आनंद बाहर से कभी भी कहीं भी किसी को भी और कैसे भी, कभी किसी को आनंद नहीं आता। जितना आनंद भोगता है वो सब किसका आनंद है? ज्ञान का। किसका आनंद है? ज्ञान का। बराबर समझ में आया? परिभाषा याद करा दे, परिभाषा याद करा दे। साधन साध्य के बीच, साध्य साधन के बीच, बोलो जरा, साध्य साधन के बीच। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? बस सरल है। क्या बोला मैंने? याद हो गया? क्या बोला? अब एक कठिन शब्द और है, बस थोड़ा। साध्य साधन के बीच गम्य गमक भाव, गम्य गमक भाव। क्या बोला? क्या बोला? बस इतनी कठिन, अब इससे ज्यादा कठिन कुछ नहीं इसमें। साध्य साधन के बीच कौन सा भाव? साध्य साधन के बीच में कौन सा भाव?
अभी गम में गमक आपको समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, यानी क्या गम 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 क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो साधन साध्य तो समझ गया हमें, साधने योग्य, साधने योग्य साध्य, साध्य साधने योग्य, इसका साध्य का मीनिंग मालूम क्या होता है? साध्य का मीनिंग होता है समझने योग्य। साध्य का मीनिंग क्या होता है? समझने योग्य। और साधन माने वो समझने का साधन। तो साध्य साधन समझ गए, साध्य साधन समझ गए। जैसे शक्कर समझनी है, दूध में शक्कर है कि नहीं, तो शक्कर हो गई साध्य और मिठास हो गया उसका साधन, बराबर। अब अगला शब्द है गम में गमक भाव। कौन सा शब्द है? एक बार बोले जोर से, कठिन तो नहीं लग रहा? अब गम में गमक समझ लीजिए, आपने पढ़ा होगा स्कूलों में सहज बोध गम्य प्रश्न, सहज बोध गम्य, बोध गम, बाल बोध दो में लिखा है, बोध गम्य, बोध गम्य, समझे? बोध गम्य सुने, बोध गम्य माने समझने में आने योग्य, गम्य गम्य माने समझ में आने योग्य, और गमक माने समझाने वाला। तो साधन हो गया गमक और साध्य हो गया गम्य, गम्य माने समझने योग्य। फिर से बोलता हूं भैया, पहले बोध, बोध माने सुनो, बोध, बोध माने, बोध माने ज्ञान, बोध माने ज्ञान, बोध माने कहां लिखा है ये, पढ़ा कहीं? बाल बोध लिखा है, बाल बोध माने बालकों का बोध, बालकों का ज्ञान, बाल बोध हो गया। अब बोध गम्य, बोध गम्य माने बोध में आने योग्य, माने समझ में आने योग्य, बराबर। तो समझ में आने योग्य माने द्रव्य, और पर्याय माने गमक, पर्याय माने गमक, लक्षण माने गमक, साधन माने गमक। याद हुआ कि नहीं? कठिन हो गया? फिर से बोलो, साध्य साधन, क्या बोला, क्या बोला, कोई बताएगा इसमें साध्य गमक है कि गम्य है? गम्य, बिल्कुल सही। साध्य क्या है? गम्य। साध्य माने समझने योग्य और गम्य माने भी समझने योग्य, एक ही बात हो गई। मैं इसलिए जानबूझकर ये शब्द पढ़ा रहा हूं, भूल जाओ तो चलेगा, चलेगा, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि अपन समझते तो सब हैं, लेकिन हिंदी लैंग्वेज है, थोड़ी संस्कृत वैसी लैंग्वेज है, तो आपको थोड़ा साहित्यिक भाषा है, लेकिन जिंदगी में एक बार तो कम से कम वो शब्द अपने ज्ञान में से गुजर जाए, ताकि अगली बार प्रत्यभिज्ञान हो सके, है कि नहीं? तो फिर से साध्य साधन के बीच गम्य गमक भाव को बताने वाले संबंध को तर्क, वो क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। तर्क किसे कहते हैं? व्याप्ति का ज्ञान। अब कोई पूछे व्याप्ति क्या होती है, कोई पूछे व्याप्ति क्या होती है, तो साध्य साधन के बीच गम्य गमक भाव को बताने वाले तर्क को, संबंध को, संबंध के ज्ञान को, संबंध के ज्ञान को, संबंध के व्याप्ति का ज्ञान है ना, संबंध के ज्ञान को व्याप्ति कहते हैं। फिर से एक बार और बोलू, कौन थे दो? साध्य साधन, इनके बीच में कौन सा संबंध है? गम्य गमक। कौन सा संबंध है? देखो समझाऊं, गम्य की इंग्लिश बताऊं आपको, गम्य की इंग्लिश, गम्य माने ग्रेस्पिंग, ग्रेस्प, ग्रेस्पिंग पावर होती है, सुना है? ग्रेस्पिंग पावर सुनिए, ग्रास्प करने की ताकत। तो ग्रेस्पिंग पावर माने समझने की शक्ति, यही है ना? तो यहां ग्रेस्पिंग और ग्रेस्प कराएगा कौन? कौन? तो कोई शब्द होगा, कोई पर्याय होगी। जैसे वापस ग्रेस्प करना है कि शक्कर के है कि नहीं, और कराएगा कौन? मिठास। तो ये हो गया गमक, मिठास कौन हो गया? गमक। और शक्कर कौन हो गई? गम्य। गम्य माने समझने योग्य, बराबर। कठिन तो नहीं रहा?
ये तो मैंने परिभाषा इसलिए पढ़ा दी, अब कल नहीं पढ़ाना पड़ेगी। अब कल मैं पढ़ाऊंगा आपको कि व्याप्ति का कोई दूसरा नाम भी है, तो कल बताऊंगा कौन सा नाम है, आज नहीं बताऊंगा। आज इतनी पढ़ाई बहुत है, कितने कठिन कठिन शब्द पढ़ लिए मैंने, इतने ही बहुत है और क्या है। देखो फिर से पढ़ाता हूं, आज क्या पढ़ा अपन ने, तर्क। क्या क्या पढ़ा अपन ने, तर्क। तर्क प्रत्यक्ष ज्ञान का कौन सा भेद है, परोक्ष प्रमाण का। वेरी गुड, कौन से प्रमाण का, परोक्ष प्रमाण का। तर्क कौन से नंबर का भेद है, तीसरे स्टेप का, तीसरे नंबर का। तर्क की परिभाषा बोलो, व्याप्ति का ज्ञान। व्याप्ति बताने के लिए हमने क्या बताया था, व्याप्य व्यापक। व्याप्य व्यापक दो द्रव के बीच में होता है, एक द्रव के बीच में। द्रव का किसके साथ होता है, पर्याय के साथ। किसके साथ होता है, पर्याय। व्यापक कहलाती है, व्याप्य। व्यापक नहीं होती है, क्या होती है, व्याप्य। और द्रव्य उसमें व्यापक, द्रव्य कौन है उसमें, व्यापक। वेरी गुड, और जहां व्याप्यापक संबंध होता है वहां कर्ता कर्म संबंध होता है, जहां कर्ता कर्म संबंध होता है वहां भोक्ता भोग संबंध होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ, इतनी पढ़ाई से क्या सिद्ध हुआ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी मिक्स होता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी रहता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोक्ता। पक्का आप शरीर में रहते हो कि नहीं, रहते हो कि नहीं, अभी तो रह रहे हो कि नहीं पूजन, अभी तो रह रहे हैं अपन शरीर में, नहीं पक्का। वेल डन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, इतनी जल्दी टाइम ही हो गया, एक घंटा तो ऐसे भाग गया, आज पति नहीं लगा इनका। समझ आया, आगे चले। तो व्याप्ति के ज्ञान को क्या कहते हैं, तर्क। व्याप्ति के ज्ञान को क्या कहते हैं, तर्क। ओहो पूछ लूं एक आध जाते जाते क्वेश्चन, कोई अपने को गाली दे तो अपन दुखी क्यों हो जाते हैं। उत्तर 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 है? बहुत अच्छा उत्तर तो आ रहा है, बोलो 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 जोर से बोलो। अपन गाली सुनकर दुखी क्यों हो जाते हैं, मेरा प्रश्न नहीं समझ में आया। मैंने नहीं पूछा गाली सुनकर हम सुखी क्यों हो जाते हैं, गाली सुनकर हम दुखी क्यों हो जाते हैं प्रश्न। अब मैं बताता हूं, आप टेली कर लो अपना अपना आंसर तो दे दिया होगा आप लोगों ने, है ना। अब मैं टेली कराता हूं आपको, सुनो। अपने व्याप्य व्यापक भाव को भूलकर, क्या कहा हमने, व्याप्य व्यापक भाव को भूलकर, तो क्या भूला, क्या भूला कि मैं व्यापक और गालियां मेरा व्याप्य। गाली सुनते से क्या लगती है, मानो गाली मेरे में घुस गई हो या मैं गाली में, नहीं लगता है ऐसा, नहीं। तो ये तुमने क्या किया, व्याप्य व्यापक भूल गए और दो द्रव के बीच में व्याप्य व्यापक माना, इसलिए तुम्हें कष्ट हुआ। अब मैं फिर पूछता हूं, छुट्टी कर रहा हूं बस। तो गाली सुनने से कष्ट होता है कि नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। वेरी गुड, व्यापक संबंध नहीं है। अच्छा तो गाली सुनकर जगत में कोई भी जीव दुखी होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, तो फिर दुखी तो होता है। गाली सुनकर दुखी नहीं होता, लेकिन दुखी तो होता है ना गाली सुनते समय। फिर से बोलो उत्तर। अब मैं व्याप्य व्यापक को नहीं जानकर और उसके साथ व्याप्य व्यापक संबंध, बोलूं पूछूं, वैसे तो 10 लक्षण पर्व आ ही रहा है, मुझे उसके बारे में कहना चाहिए नहीं। देखो मैं मूड तो ये बना के आया था 15-20 मिनट आज आपको प्री मेंटलिटी तैयार करा दें कल की, तो वो तो मैंने कुछ कहा ही नहीं आज, लेकिन कल उत्तम क्षमा का दिन है, उत्तम क्षमा का दिन। कल अपन सब जने व्याप्य व्यापक नहीं देखेंगे, पर के साथ तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हो गया उत्तम क्षमा, देखो बना दी हमने भैया कल की प्री मेंटलिटी बना दी। आपको उत्तम क्षमा चाहिए, उसका प्रैक्टिकल बता दिया लॉजिक से कि आप जहां जहां कष्ट होता है वहां वहां व्यापक संबंध देखते हैं,
और जहां जहां कष्ट नहीं होता वहां वहां व्यापक संबंध देखने की जरूरत नहीं है, माने हम उसके साथ व्यापक होते नहीं। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल बता देते हैं आपको। बेटे अक्षर कोई तुमको गाली दे तो सही सही बताओ, कष्ट तो होता है कि नहीं होता है? होता है बराबर। तुमको होता है कि नहीं भैया? क्या नाम है? देशन। देशन हाँ बोलो भैया, तुम्हें कष्ट होगा कि नहीं होगा गाली दे कोई तो? अब नहीं होगा, वैसे तो होता था ना। कोई बात नहीं यार, तुम्हें कैसा लगेगा गाली मिले तो? है खराब लगेगा बराबर। अच्छा एक ये भी गड़बड़ है, यदि यहां गाली मिलेगी ना तो अपन भेद विज्ञान कर लेंगे, और कॉलेज में यदि किसी ने दे दी तो वो नहीं है हम नहीं। अब कल्पना कीजिए कि आपका जानी दुश्मन समझते आपका जानी दुश्मन हो और वो आपको गाली दे, तो पक्की बात है कि वेद विज्ञान अपन नहीं कर सकते नहीं तो आप तो बहुत कष्ट होगा अपने, होगा ना? होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा ठीक, थोड़ा अपन और सोल्व करते हैं इसको, यहां तक तो सोल्व कर ही लिया अपन ने, थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम निकाल दी अन्ना हजारे की कृपा से, जो गाली दे उसे 1,00,000 रुपया देना पड़ेगा, जो गाली सुनेगा उसे 1,00,000 मिलेगा। समझ गए? पूरे हिंदुस्तान का स्वच्छीकरण, क्या बोलते हैं, स्वच्छ कर दिया जाएगा सारे, जो गाली देगा और जो गाली सुनेगा, गाली देने वाला वित्त 1,00,000 रुपया देगा और गाली सुनने वाले को वो 1,00,000 मिलेगा। अब वो जानी दुश्मन आपको कितनी गालियां दे कि आपको कष्ट होगा? अभी भी कान वही है और जानी दुश्मन भी वही है और गाली भी दे रहा है वो। अब बताइए आप एक गाली सुनना पसंद करेंगे 5, 25, 500? मैंने उसने ऑप्शन दे दिया जानी दुश्मन ने ऑप्शन दिया। ऑप्शन समझते हैं कि आप 5 सुनेंगे तो 5,00,000, 500 सुनेंगे तो 500,00,000, तो आप दोनों में से कौन सा पसंद करेंगे? इससे मतलब निकल गया कि गालियों से हम दुखी नहीं होते, इससे सिद्ध हो गया हम गालियों से दुखी नहीं होते। यदि गाली के बदले में प्रॉफिट दिखाई दे जाए तो हम दुखी नहीं होते। ऐसे ही जिसको व्यापक संबंध मालूम पड़ गया आत्मा के साथ और संबंध रिजरा दिखाई देता है, रत्नत्रय दिखाई देते हैं, केवल ज्ञान दिखाई देता है, ये जो प्रॉफिट दिखाई देता है, अब कोई गालियां दे तो देते रहो। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों बरसों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। उत्तर ले भैया, मेरी भावना का भी अर्थ आ गया, आगे कि नहीं आया? अभी तक लोग पढ़ते तो थे लेकिन एक बार कोई पकड़ लो, जैसे वो कहता था लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज, रोज पढ़ते हैं लोग। आज भी देश में 90% नहीं तो क्यों कितने परसेंट, भगवान जानते होंगे कितने परसेंट लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है मेरी भावना। माने जिसे कुछ समझ में नहीं आता वो भी ये पढ़ता है। हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने तो स्कूल के लेसन में दिया है, उसको बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल के लेसन में। हमारा कहने का मतलब एक है, ऐसा होने पर भी कहते तो हैं लक्ष्मी आए या चली जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मर जाऊं, लेकिन जब तक व्यापक संबंध समझ में नहीं आएगा, तर्क समझ में नहीं आएगा, आप बोलोगे तो लेकिन मर्म समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा लगेगा ऊपर से बोलते जाएंगे, क्या करें मंदिर में तो बोलना ही चाहिए। लेकिन नहीं, आज के बाद बोलो गाली सुन के आनंद आएगा कि नहीं आएगा? वो 1,00,000 भले ही ना दे लेकिन केवल ज्ञान आता हुआ दिखाई दे रहा है। समता रखेंगे, इष्ट अनिष्ट ना कोई जग में, कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। आगे समझ में आया? आज सबने बच्चों ने, अरे गजब बच्चों ने क्या परिश्रम किया, और मुझे तो डर लग रहा था भैया, क्योंकि एसी में रहने वाले
धूप में काम कैसे करे कोई, लेकिन फटाफट चढ़ गए ने काम किया। मुझे तो ऐसा डर रहा था कि चक्कर नहीं जाए किसी को। लेकिन आज बच्चों ने जो पसीना बहाया, क्यों मजा आया कि नहीं आया, सभी लोगों के चेहरे देखने लायक थे। और एक बात अब समझ में आई होगी कि अभी भी कितने अब कोई कई कह रहे थे अरे दो चार दिन लगातार करते तो मजा आता। अभी भी आपकी नजर में होगा कि कहां विंडो रह गई, अभी भी आपको लग रहा होगा कि यदि थोड़ा समय होता तो और अच्छा काम होता, अभी भी दिख रहा होगा। इसका फायदा यह होगा कि अगली साल अपन एक वीक मनाएंगे, क्या करेंगे वीक वीक समझ गए। मैंने 10 लक्षण के 10 दिन तो रहेंगे ही, लेकिन उसके पहले 7 दिन सचमुच मंदिर में बहुत काम होता है। देखो अपन मंदिर नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, अपने घर में अपन हर महीने 15 दिन में कभी ना कभी बढ़िया सर्फ डाल के साफ करते हैं और गंदगी निकलती है, बहुत सफाई करते हैं। ऐसी जिन मंदिर सच कहें तो जिन्हें अब अनंत काल घर नहीं बनाने हों, क्या कह रहे, जिन्हें अनंत काल घर बनाने हों वे अपने घर की सफाई करें, और जिन्हें अनंत काल अब घर नहीं बसाने हों वे जिन मंदिर की सेवा करें। तो अपन सब मिलकर के एक करें। कल अब 1 घंटे का प्रवचन चाहिए था कल के लिए, अभी कहना था मुझे कुछ, लेकिन अभी थोड़ा सा इशारा करता हूं। देखो था कि उत्तम क्षमा पे जिया चंबो माने आवे। अब नहीं आएगा चंबा, क्यों नहीं आएगा? हे मुनीश्वर, अपन श्रमणोपासक कहलाते हैं, श्रमणोपासक। जैन लोग क्या कहलाते हैं? श्रमण मर्ता मुनिराज और उनकी उपासना करने वाले। कल से जो लोग मुनि नहीं बन पाए, मुनिराज तो 365 दिन ही 10 धर्मों का पालन करते हैं, और हम कल से 10 दिन सैंपल टेस्ट करेंगे, 10 धर्मों का एक एक दिन में एक एक सैंपल टेस्ट करेंगे। सैंपल समझ गए? दिगंबर मुनिराज तो मानो सारी मिठाइयां खाते हैं, लेकिन दुकानदार आपको मिठाइयों का टेस्ट कराता है, आपको पसंद आए तो फिर हम थोक में देंगे। ऐसे ही कल से 10 दिन हमारे आप शॉप पर आएंगे, जिनेंद्र की दुकान पर, और आपको एक एक धर्म टेस्ट कराएंगे। यदि पसंद आए तो आजीवन रखना उसे, और नहीं हो तो फिर अगले 10 लाख श्रेणी में मिल जाना। माने तो कल हम उत्तम क्षमा टेस्ट करेंगे। अर्ली मॉर्निंग उठ करके सबसे पहले जो भजन अभी गाया था मुनिराजों वाला, हे प्रभु व्याप व्यापक भाव समझ में आ गया, अब आप जैसी स्थिरता कब आएगी, कब मुझे उत्तम क्षमा प्रकट होगी, क्रोधादि उत्पन्न नहीं होंगे, ऐसी भावना भाना। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, ये माला फेरना। माला माने रट्टी नहीं, ऐसे आंखें ऐसी हो रही, क्या करें पंडित जी ने कह दिया ओम ह्रीम ओम ह्रीम, ऐसे नहीं। और नहीं हो तो ओम ह्रीम मत बोलना, आप बोलो तो अच्छी बात है, नहीं बोलो तो आप 108 बार ये भावना भाव, हे आत्मन अनादि से कितना क्रोध हुआ है, आत्मा की अरुचि करके कितना क्रोध किया है, अब हमें आत्मा की अरुचि नहीं करके उत्तम क्षमा प्रकट करना है। ऐसे 108 वाक्य बनाओ तो आपकी नींद भाग जाएगी, समझ गए आप? मैंने एक उत्तम क्षमा की माला फेरने का तरीका बता दिया आपको, तो कल इतना आप करो। मन तो ऐसा करता है जिनके पास कंप्यूटर हो, उत्तम क्षमा पर कोई अच्छी सूक्ति, कोई अच्छा भगवान का वाक्य, स्वामी जी का वाक्य, आचार्य कुनकुन स्वामी का, अमृतचंद स्वामी का, जिनका भी आपको पसंद आए, एक वाक्य आज टाइप करो और अपने घर के बाहर चिपका दो, एक वाक्य अपनी दुकान के बाहर चिपका दो, यदि दुकान खोलोगे आप कल, दुकान जाओगे एक वाक्य चिपका दो, ऑफिस जाओ ऑफिस जाओ तो एक वाक्य अपने ऑफिस में अपने टेबल के उसके ऊपर रख लो, लोग आएंगे आज सोचे। समझ में आ गया आपको? क्या कहें, जिनके घर पर ध्वज नहीं लगा हो तो आज कोशिश करो, घर घर ध्वज लगाओ। ध्वज है अपने पास, छोटे छोटे नहीं, तो अभी छत पे जाके सब जगह बांधे हो, अभी जाके काम तो बहुत है, मेरे दिमाग में इतना काम था, अपने घर आंगन के सामने रोज मांडना बनाओ, सब बच्चों को प्रेरणा करो, बेटा 10 लाख क्षण चाले, बाजार की कोई चीज नहीं खाना, बाजार में पानी नहीं पीना, बाजार का स्कूल का कोई चीज नहीं खाना। कई जगह बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहां
दोपहर का भोजन करते हैं वहां पे, अपने बच्चे जा रहे हो तो आप अपना टिफिन तैयार करके रखो, अपनी चीज दो, वहां की कोई चीज नहीं खाना। बेटे 10 दिन, बेटे भले चाहे 4 बार खाओ या 2 बार खाओ, लेकिन घर का खाओ, बाजार का नहीं खाओ। मेरा मतलब है बच्चों में पूरे मैनर्स, पूरे एटिकेट, जैन धर्म की सुगंध आनी चाहिए जब वो वहां जाए। क्यों बेटे आज आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? आज हमारे 10 लक्षण धर्म चलता है। सारी मैडम को सुगंध आ जाएगी, सारे बच्चों को सुगंध आ जाएगी, सारा स्टाफ उसे अलग से देखेगा, ये आज तुम क्यों नहीं खा रहे, सब तो खा रहे। नहीं, हमारा जैन धर्म ये सुगंध है, मतलब कल के दिवस में इतना करो, फिर कल उत्तम क्षमा कैसे प्रकट होगी दिन भर प्रैक्टिकल, उसकी थोड़ी बहुत चर्चा अपन सुबह करेंगे। अपन श्रमणोपासक हैं, श्रमण बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं कल से, वो महामुनि दशा उत्तम संयम हमारे जीवन में प्रकट हो, हम जल्दी भगवान बने, इस भावना और भक्ति के साथ मुनिराजों का स्तुति और गुणगान करते हुए समस्त आचार्यों के जितने नाम आपको याद होए, जब आप सोएं आज, जब सोएं और सुबह जगें, कोशिश करना नींद नहीं लगे तब तक एक एक मुनिराजों का स्मरण करना, एक एक आचार्य का स्मरण करना। हे आचार्य कुनकुन स्वामी, आपका घना उपकार है, आप जैसी उत्तम क्षमा प्रकट हो। याद रहेगा सारे मुनिराज और आचार्यों का नाम स्मरण करके सोना, हो सकता है स्वप्न में आपको आचार्य कुनकुन स्वामी मिल जाए, हो सकता है आप जंगल में भावलिंगी संतों के बीच हों, ऐसे सुंदर मनोरम स्वप्न देख करके आप सो जावें और सुबह उठ करके उनकी स्तुति करें। ओम नमः शिवाय।